बलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले धान गांव में सैकड़ों किसानों ने एसडीएम को आवेदन दिया है। दरअसल धान खरीदी केंद्र के सैकड़ों किसानों ने धान का रकबा कम होने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को आवेदन दिया है और एक सप्ताह के अंदर अगर रकबे में जो त्रुटि है उसमें सुधार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन कर धरना प्रदर्शन की बात कही है। किसानों का कहना है कि इस साल रकबा कम कर दिया गया है, वहीं अनेक ऐसे किसान हैं जिसका खसरा ही गायब हो गया है। अगर रकबा नहीं बढ़ेगा तो किसानों को काफी नुकसान होगा, क्योंकि किसान कर्ज लेकर खेती करता है और धान खरीदी केंद्र में रकबा कम होने के कारण खरीदा नहीं जा रहा है। ऐसे में किसान अपने धान की कहां बिक्री करे, इसी से परेशान होकर किसानों ने बलाईगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग तो धान पंजीयन के चलते पहुंचे हैं। हमारा जो धनगांव, खपरीडीह, तवलीडीह ये सभी ग्राम का किसानों ने कम से कम 100 लोगों का पंजीयन कर चुका है, जो पुराना पंजीयन है, जो 2006 से बेचते हुए आ रहे हैं और अगले साल सही बेचा गया है। इस साल सब किसान का कटा हुआ है। इस समस्या को लेकर हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। धान बेचने के लिए क्या समस्या हो रही है क्या इस बार? हाँ, समस्या हो रही है, पूरा कट चुका है। किसी का एक एकड़ है, दो एकड़, तीन एकड़ ऐसा कट चुका है, किसी का आया ही नहीं है। 50 डिसमिल 40 डिसमिल का पंजीयन हुआ है। यहाँ पर एसडीएम साहब का आवेदन दिया, एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम साहब ने बोला कि हम ऊपर कार्रवाई करेंगे, एप्लीकेशन दे दो, ऐसा बोला है। अगर नहीं होता है आप लोगों को कुछ उचित तो क्या करेंगे? तो हम लोग कलेक्टर के पास जाएंगे और कलेक्टर अगर नई सुनवाई करेगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरा मंडी को लॉक करवा देंगे, धान नहीं खरीदने देंगे। आपका परिचय? मैं अंगद प्रसाद टंडन, धनगांव से।